महीने हो गए और अभी मेरा अपहरण किया तीन लड़कों ने, एक तो दो तो हमारे गांव के और एक राजस्थान का, और फिर मेरे साथ अपहरण करके बलात्कार किया और फिर मुझे बेच दिया 2.5 लाख रुपये में, फिर और बेचा और पुलिस अभी कुछ नहीं कर पा रही है और हमको और मेरे भाइयों को भी गलत वो कर रही है। और उसे सरकार ने कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर सरकार क्यों ना कर रही है? तो आपको कोई न्याय नहीं मिल रहा है? कोई न्याय ना मिल रहा है, मेरे साथ ही वो हुआ। 6/2017 को मेरी बहन हमें बिस्तर पे नहीं मिली जी, हमने इसकी जानकारी फिर आसपास की अपनी बहन की तलाश की तो हमें कुछ पता नहीं चला। उसके बाद गांव में पंचायत हुई, उसमें गांव के पंचायत के जो मुख्य लोग थे उन्होंने जब इधर उधर पूछताछ की तो हमारे गांव के एक बंदे हैं नसीम और जम्मा और एक साद और रिजवान, इनके ऊपर हमारे शक गया और हमने FIR दर्ज कर दी। लेकिन जब 2 महीने बाद लड़की आई तो उसने हमें अपनी आप बीती बताई, तो हमारे गांव के जो लड़का है नसीम सनोप नूर मोहम्मद उसने और जमशेद सनोप कमरू और साद सनोप उमर और रिजवान, इन चारों ने मिलके उसको नूरपुर UP में 2.5 लाख की एक औरत को बेच दिया। पहले हमारे गांव के तीनों लड़कों ने हमारी लड़की के साथ मिलकर रेप किया और फिर उसको मारा पीटा। वहाँ भी ये लड़के कई बार गए और इसको टॉर्चर करते थे, इसे कई बार जलाया सिगरेट वगैरह से। वहाँ से लड़की ने 2 बार निकलने की कोशिश की लेकिन ये बार बार वहाँ जाते इस लड़की को पीटते थे। हमने इसकी FIR थाने में 1 तारीख को कराई, हतीन थाने में, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम बार बार थाने में आते और पुलिस वाले हमें जांच कर रहे हैं पता लगा रहे हैं ये कह के भगा देते थे। इसी बीच हमारे गांव के लोगों ने एक षड्यंत्र रचा कि लड़की को तो राजस्थान वाले ले गए, लेकिन बाद में जब लड़की आई तो पता चला कि वहाँ कोई लड़की नहीं थी, ये सिर्फ गाँव वालों ने पुलिस और हमें गुमराह करने के लिए बनाया था।